है गाइस, काफ़ी टायर्ड सा फील कर रहा हूँ, जैसे थोड़ा सा वायरल भी है और जला बैठा सा है। अभी एक इवेंट ख़त्म हुआ, मैं सुबह मॉर्निंग से बहुत खुश हूँ, तो वो इसलिए कि मैं अभी जा रहा हूँ स्कूल। और हर किसी की एक इच्छा रहती है ना, जब भी हमारे से कलाकार कुछ अचीवमेंट मिले, कुछ हमें कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में ऐसा इंटरेस्ट हो, ऐसा लगे कि नहीं हाँ तो मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे लाइफ में हुआ है, हो रहा है, और उसी के लिए मैं घूमने जा रहा हूँ। और ये ब्लॉग भी मैं स्पेशली उसी के लिए बना रहा हूँ। तो ये नहीं बताऊँगा कि शुरुआत में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जितने भी मुझे चाहने वाले जितने मेरे फैंस हैं, तो उन सब के लिए कि मेरे लाइफ में बहुत ही ज़बरदस्त कुछ चीज़ होने जा रही है। निकला हूँ नाथ पूरे जा रहा हूँ, रात का सफ़र है और ट्रैवल्स से मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इमरजेंसी में कोई भी चीज़ें नहीं मिली, मैं ट्रेन में नहीं जा, तो मेरे टाइम के अनुसार मुझे मिली है ट्रैवल, जिसको इसमें ट्रैवल जा रहा हूँ। और मेरे साथ यहाँ पे रक्षमदार भी आ रही है, तो अभी बस स्टैंड पहुंच गए हम लोग काफ़ी समय से, और बस को आने में देरी है, तो तब तक कुछ चटर मटर हो जाए यानी कुछ खा ले, इसलिए मैं जा रहा हूँ वड़ा पाव खाने। फाइनली गाड़ी आ गई और हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये सीट है, खिड़की भी है, एसी भी है, आगे तो टीवी भी है और रक्षंदा भी है। और अभी भी नहीं बताऊंगा मैं क्यों जा रहा हूँ, इससे रहो परेशान होते रहो। 11:30 का समय हो रहा है, हम लोग भी हमारी बस रुकी खाना खाने के लिए रुके, घर से ला लिया था। Amazing! फाइनली पुणे में उतर गए और हमें बस वाले ने उतार दिया और ये हमने बैग लेके चले गए। सो अभी हम लोग यहाँ पे निगड़ी बस स्टॉप से जा रहे हैं द्वारका सिटी, और हमारे साथ ओला वाले भैया भी जुड़ गए, जिनके साथ हम लोग अभी ट्रैवल करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरे मासी के यहाँ जाने वाला हूँ, फिर उसके बाद सारे लोगों से मिलने वाला हूँ। और क्या बोलते रखो इतना फेमस मिसल पाव ना, स्ट्रीट वर ट्रॅव्हल जागेला चांगला भेटतो, तर वडापाव सगळीकडे भेटतो। जा बाय आज वडापाव और मिसळ ज्या साईडला आम्ही चाललो तिकडे, क्या बात आज मजा आएगा। सो फाइनली अब मैं हम मौसी के यहाँ पहुँच गए मेरे वाले, और पुणे में है, और ये मेरी मौसी का घर है जहाँ पर हम सब लोग एक साथ रहते हैं। ये मेरी सिस्टर ज्योति, मेरी मासी, और मेरा बड़ा भाई देखो क्या कर रहा है, पानी भर रहा है बे, और ये नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बिल्कुल चमक दमक के जाने के मुझे सच बोल रहे हैं। अच्छा है, हमारे यहाँ बहुत ही शरीफ और बहुत ही नेक बच्चे हैं, जिनमें से ये आरव, वाओ ये दोनों मेरी बहनों की
लड़के है, ये लड़का है ज्योति का और ये अलका की लड़की। हेलो हाय बोलो। साले लग डन विद माय दिस लुक और भाई साहब ने बना के दिया। रास्ते जाते जाते ना एक नजर पड़ी मेरे पे समोसे के ऊपर, लाल समोसा। आप भी देखो, मैं तो खाने वाला हूँ। सो जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी, मैं अभी भी नहीं बता रहा हूँ आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि सरप्राइज है ये मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। तो वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज हैं कि यही कपड़े पहनना है, ऐसे ही रहना है, यही करना है, इसलिए मैं आज कोई भी ब्लेजर वगैरह पहने, फॉर्मल शर्ट और डेनिम जीन्स और नॉर्मल हेयर स्टाइल अपनी उसी के ऊपर जा रहा हूँ। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, लाइफ में पहली बार कुछ करना होने जा रहा है भाई साहब, मज़ा आएगा, तबाही मज़ा आएगा। सो हो गया फाइनली, आई एम सो रेडी और अभी मैं निकल रहा हूँ मेरी मंजिल की ओर। देखते रहो। फाइनली मैंने जो कहा था कि हम मंदिर पर पहुँच चुके हैं और फिलहाल मैं हूँ पुणे में, द पुणे स्टूडियो में, द पुणे स्टूडियो पुणे में, जहाँ जोश टॉक का ऑफिस है, स्टूडियो है, और आज वहाँ पर मेरा वीडियो बनने वाला है, मेरा इंटरव्यू होने वाला है, मेरे बारे में वहाँ से जानने वाले हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे मेरा जीवन का सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मंच मिला। तो थैंक यू सो मच जोश टॉक, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे अपनी बातें रखने का मौका दिया। सो इंतजार करो, बस थोड़े दिन में जाऊँगा, मेरी रिसर्च चली। स्टेज पे खेलने वाला इंसान आज खुद स्टेज पे जाने से घबरा रहा है। ऐसे बंद केला ना मी, ते बंद नाही होत ना। सो भाई फाइनली मेरा वीडियो आएगा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू हो गया है जो स्टॉक के ऊपर। मेरा इंटरव्यू था आज, जो काफ़ी अच्छी स्टोरी, जो मेरे लाइफ का स्ट्रगल है वो मैंने सभी के साथ शेयर किया है, और बहुत जल्द आपको वो देखने मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच जो स्टॉक की पूरी टीम को, उन्होंने मुझे मौका दिया मेरी स्टोरी बताने का। और थैंक यू सो मच पुणे, जब से आया हूँ वाइब्रेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो नया साल, नई चीज़ें, नई लाइफ, नई उमंग लेकर आ रहा हूँ, तो आप सभी को भी शुभकामनाएं दे करी। अभी पुणे मेट्रो स्टेशन पे हूँ, क्योंकि अब मुझे पुणे घूमना भी है और पुणे एंजॉय भी करना है। पुणे के फूड्स खाने हैं, तुमको पता ही है अपन खाने के बड़े शौकीन हैं। तो आज मैं, रक्षु और मेरा भाई मेरा बंटा दीपेश भाई, हम तीनों लोग अभी घूमने जा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल मेट्रो स्टेशन, और उसके बाद पता नहीं इसके बाद कहाँ जा रहे हैं अपन, कहाँ जा रहा है, तुलसी बाग शनिवार वाला, ऐसी बहुत सारी जगह पे हम लोग चुनने वाले हैं।
देखो मजे करो। गाइस बात मार के बता रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मेट्रो स्टेशन पे थे और हमको जहाँ जहाँ जाना था उधर वो जाती ही नहीं, इसलिए हम लोग फिर से ऑटो में आ गए। अरे देखो कभी गाड़ी कभी ट्रैवल कभी कार कभी ऑटो, मज़ा आ रहा है। चलिए तो जिंदगी बड़ा ही है, इंजॉय करो। सो अभी पुणे में मेरा जो स्टॉक का इंटरव्यू खत्म होने के बाद अभी घूमने का प्लान बना और सबसे पहले मैं आया हूँ शनिवार वाड़ा। दिख रहा होगा आपको, देखो पीछे शनिवार वाड़ा बहुत ही अप्रतिम है। शनिवार वाड़ा के अंदर हम लोग टिकट लेके घुस चुके हैं और यहाँ देख सकते हो आप लोग, और यहाँ तक देख लो तो ये लाइट जहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ वहाँ हमें फॉलो करना है क्योंकि यहाँ पे एक शो है, लाइट शो ना, लाइट शो है अभी यहाँ होने वाला है। तो चलो देखते हैं शनिवार वाड़े का लाइट शो, पर अंधेरा काफ़ी है मेरे दोस्त। सेकेंड डे ऑफ पुणे और मॉर्निंग उठे, सॉरी यार मॉर्निंग बोल नहीं पाया था क्योंकि सब गाय गड़बड़ पर चल रहा था। और यहाँ पे जब घूमते हो आप तो आपको हर जगह पे नीरा केंद्र मिलता है। देखो नीरा केंद्र, मैंने सोचा मतलब कहाँ है देख लेते, एक नीरा लिया हूँ। अबे नारियल पानी है भैया। तो फाइनली हम अब पहुंच गए हैं शनिवार वाड़ा, और शनिवार वाड़ा में जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं ये वहाँ के जो अभी भी चीज़ें रहे ये वहाँ के वीडियोस हैं। शनिवार वाड़ा बहुत बड़ा वाड़ा है जहाँ पर हमें काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ों को देखने को मिला है और कभी काफ़ी करीब से जानने को मिला है। आप वहाँ के दरवाजे देख सकते हैं, वहाँ की सीढ़ियाँ देख सकते हैं। आज भी जो पुराने शिवाजी महाराज के काल से चलते आ रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से चलते आ रहे हैं, वो आज भी वहाँ पर आपको नज़र आते हैं। और जैसे कि वैसे तो काफ़ी मज़ेदार प्लेस है, आप वीडियो में देख ही रहे हैं, और हर प्लेस का हर जगह पर उसके बारे में जानकारी। फाइनली हम लोगों ने शनिवार वाड़ा के दर्शन कर लिए और अभी बाहर निकले और मालूम है भागते हुए निकले क्योंकि वो फॉरेनर लोग हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे यार। अभी ना हम उनको बेवकूफ़ बना के निकले, हालत थक गया था मैं। चलो कोई बात नहीं, फाइनली पीछा तो छूटा, अब निकलता हूँ आगे लाल महल के दर्शन करने। सो आई एम इन लाल महल, और ये यहाँ पे लाल महल आप पढ़ सकते हैं, फ्रंट गेट जो है वो वहाँ से आगे बताते हैं। तो जैसे ही हम लोग लाल महल में गए हैं तो हमें पता चल गया देखते से ही कि लाल महल वो जगह है जहाँ पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा बचपन गुजरा है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी चीज़ों का अभ्यास किया, काफ़ी चीज़ें सीखी है वहाँ से, और पूरा बचपन लाल महल से गुजरा है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का। बहुत अच्छा प्लेस है। तो जो ये प्लेस दिखाई है वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ये है कस्बा मंदिर, श्री कस्बा मंदिर जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों से इसका नींव रख कर इसका निर्माण किया गया था, और बहुत ही बेहतरीन हिस्टोरिकल मंदिर है। और उसके बाद हम लोग वहाँ से गुजरे हैं, तो उसके बाद हम लोग तुलसी बाग आए, और तुलसी बाग वहाँ का एक शॉपिंग प्लेस है जहाँ पर हर प्रकार की शॉपिंग होती है। बस पछतावा इस बात का है कि लड़कों के लिए कुछ नहीं है।
तो जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं उसे कहते हैं कचोरी, पर ये कचोरी नहीं, कचोड़ा है। इतनी बड़ी कचोरी यार मैं तो पहली बार देखी है, क्योंकि वो जो जितनी प्लेट में वो देते ना, वो अपने यहाँ तो उतने ही प्लेट में दो कचोरी समझ जाती है, पर यहाँ पे एक नहीं समझती। और ये मात्र 15 रुपये की कचोरी है जो मैं वहाँ पर टेस्ट की है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बड़ा ही मज़ा आया यार। मुझे तो और डबल डबल जाने की इच्छा हो रही। स्वामी ट्रैवल्स करके हैं तो सीट्स वगैरह और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे उनका। तो अब यहाँ पे मेरा ये जो वीडियो है ये पुणे डायरी का लास्ट वीडियो है, तो यहाँ मेरा पुणे का सफ़र समाप्त हुआ। अब कल जो होने वाला है वो एक नया सफ़र रहेगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ काफ़ी सालों बाद मेरे अपने गाँव, और इस बार नया ये है कि हमेशा से अकेले जाता था, इस बार फिर मेरे साथ रक्षिंदा आ रही है। और अब मैं चाहता हूँ कि बस अब रेस्ट करूँ, क्योंकि थोड़ा सा वायरल भी हो गया और रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपको कुछ भी लगता है कि मेरे में इस वीडियो में कुछ चाहिए और एडिशनल लाना चाहिए, मेरा अभी भी स्टार्टअप है वीलॉग का, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही प्यार बनाए दीजिए। तो इस बार हम सीट में दरवाजा मिला है, तो दरवाजा लगा के